एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं आप लोगों के लिए आपके पॉलिटिकल थ्योरी FYUGP कोर्स के थ्रू, जो आपका सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम चल रहा है और मेजर पेपर वन है, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही थी। इस पे मैं वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर आ चुकी हूँ आपके दो चैप्टर्स पे। एक है आपका पावर एंड अथॉरिटी और दूसरा चैप्टर आया है आपका जस्टिस या फिर न्याय। यस, वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां जाकर देख सकते हो। इससे आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा आपके वन मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, तो आज मैं लेकर आई हूँ डेमोक्रेसी का चैप्टर यानी कि लोकतंत्र। तो इससे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम मैंने 20 क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर डेमोक्रेसी, वन लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड। डेमोक्रेसी किस शब्द से लिया गया है, जिसका आंसर है डेमोस। सेकेंड, डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न अगेंस्ट होम। लोकतंत्र का उदय किसके विरोध में हुआ था, अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि जो स्वेच्छाचारी शासन है या सरकार है उसके अगेंस्ट में, विरोध में डेमोक्रेसी आया था। नेक्स्ट, हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। सो सिंपल, इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ये काफ़ी फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन टेक प्लेस। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो इसका सही आंसर है 1688। नेक्स्ट वन इज, हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, तो इसका सही आंसर है सीले। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म इज मॉडर्न डेमोक्रेसी कंसिडर्ड। आधुनिक लोकतंत्र को किस रूप में माना जाता है, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में आप मॉडर्न डेमोक्रेसी को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has the final power in a democratic system? लोकतांत्रिक पद्धति में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, तो इसका सही आंसर है पीपल, जनता के पास होती है अंतिम शक्ति। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सपोर्टर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। उदारवादी लोकतंत्र के किन्हीं दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो ये जो डेमोक्रेसी का एक टाइप है लिबरल डेमोक्रेसी, इसके किसी दो सपोर्टर्स को के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने तीन चार लिखे हैं, आप कोई भी दो लर्न कर सकते हो। जेसमिल, जेफरसन, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट वन इज, नेम एनी टू सपोर्टर्स ऑफ द एलेक्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के किन्हीं दो समर्थकों के नाम बताएं। अब डेमोक्रेसी का सेकेंड थ्योरी है, वह है आपका विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या फिर एलेक्ट थ्योरी। इसके भी तीन चार सपोर्टर्स लिखे हैं मैंने, कोई भी आप लर्न कर सकते हो। पैरेटो, मोस्का, मिचेल, सीराइट, मिल्स। नेक्स्ट वन इज, नेम एनी टू सपोर्टर्स ऑफ प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं दो समर्थकों के नाम बताएं। ये भी आपका डेमोक्रेसी का तीसरा पार्ट है, प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे कहते हैं बहुलवादी लोकतंत्र। इसमें भी आप देख सकते हो कोई दो सपोर्टर का नाम लिखना है, सैटोरियन, प्रेस्थस। नेक्स्ट वन इज, विच डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद प्लुरैलिटी ऑफ डिसीजन सेंटर्स। निर्णय की विविध केंद्रों का होना से कौन सा लोकतंत्र संबंधित है, कौन सा लोकतंत्र संबंधित है, यानी लोकतंत्र का कौन सा टाइप है जो इस प्लुरैलिटी ऑफ डिसीजन सेंटर से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। सही आंसर है प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या फिर बहुलवादी लोकतंत्र। नेक्स्ट वन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन के रचयिता कौन है, लिप्सिट। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द रूलिंग क्लास। ये जो पुस्तक है रूलिंग क्लास किसने लिखी, तो उसका सही आंसर होगा मोस्का। नेक्स्ट वन इज, किन देशों को उदार लोकतंत्र का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना है आपको जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी पाया जाता है। तो वो कंट्रीज हो जाएंगे आपके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन इज, हु प्रपाउंडेड द आयरन रूल ऑफ ओलिगार्की। अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर है मिचेल्स। नेक्स्ट वन इज, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज फाउंड इन अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में किस तरह का लोकतंत्र पाया जाता है, इसका सही आंसर है प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी या बहुलवादी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कॉल्ड डेमोक्रेसी अ पोलार्की। किसने लोकतंत्र को बहुतंत्र की संज्ञा दी, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट ए
डहल, जिसने डेमोक्रेसी को पोलार्की कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कॉल्ड डेमोक्रेसी अ पोलोक्रेसी, किसने लोकतंत्र को पोलोक्रेसी कहा, तो इसका आंसर होगा लॉवेंस्टील। याद रखिएगा रॉबर्ट ए डहल जो है इसने पोलार्की कहा है डेमोक्रेसी को, और लॉवेंस्टील है जिसने पोलोक्रेसी कहा। नेक्स्ट वन इज हु गेव द नेम ऑफ द रूलिंग क्लास एज पावर एलिट, किसने शासक वर्ग को सशक्त अभिजन की संज्ञा दी, तो सही आंसर है सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी जो बुक है इसके रचयिता कौन है, तो सही आंसर है सार्टोरे। ओके, तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस मैंने डेमोक्रेसी के चैप्टर से रखा है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए। ओके, तो इस वीडियो के एंड पर चलते हैं। अगर आज का आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस तरह से मैं चैप्टर्स लेके आती हूँ, उसके क्वेश्चंस को भी लेकर आती हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी लेकर आती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।